रविवार को छतरपुर में ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी का 14वां सालाना सामूहिक निकाह समारोह आयोजित किया गया। पुलिस लाइन स्थित राजा हॉल में आयोजित किए गए इस समारोह के दौरान 43 जोड़ों का सामूहिक निकाह कराया गया। ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के सचिव अनीस खान ने बताया कि कमेटी के द्वारा यह सम्मेलन 14वीं बार आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें 43 जोड़ों का निकाह हुआ है। उन्होंने बताया कि कमेटी हर वर्ष उक्त सम्मेलन के माध्यम से ऐसे जोड़ों का निकाह कराती है जो निर्धन और असहाय हैं और शादी करने में सक्षम नहीं है। आयोजन के मुख्य अतिथि छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी रहे। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी को साधुवाद देते हुए सभी जोड़ों को आशीर्वाद और आर्थिक मदद दी। नवविवाहित जोड़ों को कमेटी की ओर से उपहार स्वरूप 57 तरह की सामग्रियां उपलब्ध कराई गईं। इस मौके पर सदर वकील अहमद, हाजी जब्बार हुसैन, पीर मोहम्मद सहित अनेक लोग मौजूद रहे। हर साल की तरह इस साल भी ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी का 14वां सम्मेलन इज्तिमाई शादी हो रहा है, जिसमें अभी तक 10-12 निकाह हो चुके हैं और अभी चूँकि शुरुआत है, और निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रम ऐसे आयोजन के लिए पूरी कमेटी धन्यवाद देता है, जो दिन और रात मेहनत करके हम सब लोगों को हौसला बढ़ाते हैं। और इसी में हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ये सब लोग आकर सहयोग करते हैं। पुलिस व्यवस्था हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सभी लोग निस्वार्थ बगैर विज्ञापन के इस कमेटी में, चूँकि इस कमेटी का उद्देश्य गरीब बच्चियों की शादी का है, जिनके पास पैसे के अभाव में शादी नहीं कर पाती है, जिनके घर में बेटियां जवान बैठी हैं तो उनकी शादी होती है, इससे बड़ा पुण्य काम कोई नहीं है, ये नेक काम है। और इसमें कमेटी के लोग सभी लोग हिस्सेदारी लेकर जो भी सबसे बंद बंद पड़ता है उसमें गिफ्ट देकर उन लोगों को सहयोग करके, जिससे लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। कमेटी 14 वर्षों से ये निकाय करवाती आ रही है और इसमें सभी लोगों का बहुत काफ़ी सहयोग रहता है। खास लोग हमारे जो कमेटी वाले हैं, मीडिया वाले हैं, पुलिस प्रशासन है, उनका काफ़ी सहयोग रहता है। उनके सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम चलता है और चलता रहेगा हमारे में। और मैं ये कमेटी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह के आयोजन करते रहें और ऐसे गरीब कन्याओं को, निर्धन कन्याओं की मदद करते रहें। ये समाज का एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी भागीदारी होती है। हम आप सब मिलकर अगर एक कन्या का विवाह भी कर लेते हैं तो अपने समाज को एक दिशा देने का काम और एक आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत से लोगों के पास शादी करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं होती, लेकिन समाज पूरा इकट्ठा होता है, मुस्लिम समाज पूरा इकट्ठा होता है और एक साथ एक छत के नीचे उन कन्याओं को इतने हजारों हजार लोगों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है, जो काबिले तारीफ है। और मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे भी आके यहां पर आशीर्वाद देने का मौका मिलता है और उन कन्याओं के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करने को मुझे भी हक मिलता है। ये दान नहीं है, ये कोई लालच या लोभ नहीं है, ये उसमें एक भागीदारी है जो हर वर्ष मैं भी उस हिस्सेदारी और भागीदारी को निभा रहा हूं और कन्याओं को आशीर्वाद दे रहा हूं।